एमपीसीजी बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। 108 रुद्राभिषेक संगीतमय का आयोजन चांपा सेवा संस्थान चांपा द्वारा श्रीलखन मंगलम बरछापारा में संपूर्ण विधिवत पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ। यह रैली का कार्यक्रम डोंगा घाट से सदर बाजार चौक होते हुए कदम चौक, रानी रोड, मुकुंद टॉकीज, बरछापारा, लखन मंगलम में बाजे गाजे भगवान भोलेनाथ की सवारी, भूतों के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु लखन मंगलम फिर प्रारंभ हुआ भव्य महारुद्राभिषेक। बंटवारे विवाद को लेकर छोटे भाई ने उतारा बड़े भाई को मौत के घाट। आरोपी घटना को अंजाम देकर भागने की फिराक में था। आरोपी राजेश कश्यप को भेजा गया सलाखों के पीछे। मामले में पूजा कश्यप उम्र 25 वर्ष निवासी हीरागढ़ द्वारा थाना नवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी के बत्ता को बरामद कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। महाशिवरात्रि पावन पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम और विधि विधान से मनाया गया। वहीं सीधी जिले के भढौरा शिव मंदिर में लाखों से ऊपर श्रद्धालुओं का सैलाब जल चढ़ाने पहुंचे। महाशिवरात्रि साल भर में एक ही बार मनाई जाती है। फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस वर्ष को शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक निजी कंपनी द्वारा कोरबा वनमंडल के परसखेत रिंज के कोलगा जंगल में भूगर्भीय सर्वे एवं प्लास्टिंग का कार्य कर रही है, जिसका विरोध गांव की महिलाएं लगभग एक माह से लगातार विरोध कर रही हैं। कंपनी के कर्मचारियों से भी चर्चा कर रही हैं, लेकिन कंपनी उनसे बात करने के बजाय उनको डरा धमका रही है। जंगल में बिना गांव वालों की सहमति के बगैर सर्वे एवं प्लास्टिंग का काम कर रहा है, जिसके विरोध में आज कोलगा गाँव की महिलाएं एकत्रित होकर जंगल पहुंची और जंगल में बैठ गई। का चीज में यहाँ दिखत है ना तो महिला फिर कठरा में हाँ तीन साल हो ही ब्लास्टिंग करे आते हैं जेंस में मतलब डोगा में कहता है तो हम तीन साल हो ही करा था हन और जब ले कहा था हन कुछ कुछ साहब में ना आता है तो आप हनी करम दे इनके उनका थे गांव में जेके तो जो जी छुपे तो करा था हम इन काम तो कल हम सब महिला बहन मिल के आई ता तहसीलदार मैडम भी अरे ही तो मना कर दिया कि प्रशासन के नियम है कि यहाँ काम नहीं होना है, ता फिर मैं किसे चोरे चोरे करते हैं तो खुद कह के जिया है यहाँ कि काम नहीं हो है, बस सब महिला भेर संगठन बने के राय खा के है और किसे आता है करे ओ मैडम देखो तो खेह को जानी होते भेजा थो गाँव ला कहा थो कि महिला भी सब संगठन है कहा थो ही और फिर भेज दे थो और जबकि हम ग्राम सभा में हम उपस्थित रहे हैं तो मैं बताइन कि ग्राम सभा में अनुमोदन हुए हैं कि आज के बाद यहाँ ब्लास्टिंग या बाहर के आदमी यहाँ काम नहीं करने के वर्जित हो जाए। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर छत्तीसगढ़ राज्य की बोरतला पुलिस चौकी के अंतर्गत चाय पीने गए दो पुलिस कर्मियों की आज सुबह करीब 8:30 बजे 10 से 12 नक्सलियों के दल ने हत्या कर दी। प्रताप सिंह और दलित यादव अपने एक साथी के साथ सोमवार को थाने में से मुख्य राज्य मार्ग स्थित ढाबे पर चाय पीने गए थे, तभी इलाके में तैनात नक्सलियों ने उन पर फायरिंग कर दी। तीसरा व्यक्ति मौके पर ही घायल हो गया। घायल जवान के घटना की जानकारी अभी पुलिस घेरे में नहीं है। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल जहां जिले की सभी अन्य छोटे स्वास्थ्य केंद्रों से बड़ी संख्या में मरीज रेफर होकर पहुंचते हैं, उस जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने वेतन को लेकर हो रही परेशानी से तंग आकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की है। इन डॉक्टरों में विशेषज्ञ, सर्जन, आपातकालीन जैसे डिपार्टमेंट को संभालने वाले डॉक्टर भी शामिल हैं। डॉक्टरों की शिकायत है कि CMF से मिलने वाला भुगतान पिछले 2 सालों से समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए डॉक्टरों को हर महीने 5 से 6 दिन जिला प्रशासन और कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। सर, कोरोना के समय से हम लोग सभी 12-14 जितने चिकित्सक हैं और वो भी ऐसे चिकित्सक हैं जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ करना पड़ता है, जैसे मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, मेरे आसपास आर्थोपेडिक सर्जन और अन्य चिकित्सक हैं जो इमरजेंसी सेवाएँ भी करते हैं। इनको सैलरी की समस्या, हम लोग को सैलरी की समस्या होने से हर महीने में 5-6 दिन प्रशासन के आसपास जाना पड़ता है, निवेदन करना पड़ता है और समय पर सैलरी नहीं मिल पाती है। कोरोना के समय भी हमने इतनी सेवाएं की है और कभी अपनी ड्यूटी नहीं भूले हैं। इनके बीच में भी रहकर जन समस्याओं का निवारण करते हुए हम लोग जितने भी सेवाएं दे सकते हैं जनमानस को, उतनी सेवाएं दे रहे हैं सर। इसके पश्चात भी हमें हर महीने सैलरी की ही समस्या आन पड़ती है। समय पर यदि सैलरी मिल जाए तो कोई भी समस्या नहीं होगी और हमारे जो मरीज़ हैं उनको भी बराबर सेवा मिलती रहेगी।
इसके अतिरिक्त प्रशासन भी को भी उतनी समस्याएं नहीं होगी। यही हमारा निवेदन है कि समय पर हमारा वेतन प्राप्त हो जाए। विनोद तिवारी के घर में ईडी की द्वेषपूर्ण कार्रवाई को लेकर शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन। खंडीघाट चेमल क्षेत्र का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, लेकिन यहां श्रद्धालुओं के सुविधाओं के लिए शासन की तरफ से किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। श्रद्धालुओं की आने जाने की सुविधाओं के लिए ग्रामीण हर वर्ष परिश्रम करके रास्ता बनाते हैं ताकि श्रद्धालु दर्शन करने खंडीघाट आ सके। कई बार मंदिर के पुजारी शोभित पटेल बाबा जगन्नाथ ने भी मीडिया के द्वारा मांग किया था कि और कहा था कि इस आमागढ़ से खंडीघाट तक डामरीकरण किया जाए और खंडीघाट में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाने श्रद्धालुओं के लिए उड़न खटोला होनी चाहिए। कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करने भाजपा की केंद्र सरकार ने ईडी का दुरुपयोग करना शुरू किया। कांग्रेस के 85वें अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए जैसा की आशंका थी भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को आगे कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जब भी राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पाती है तो ईडी सीबीआई जैसी केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन की देश दुनिया पर निगाहें जटी हुई हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से भारतीय जनता पार्टी की साख पूरी तरीके से समाप्त होने का भय सता रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापे मरवा के कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करना चाहती है। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। हमारा यह अधिवेशन और ज़्यादा शानदार तरीके से संपन्न होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के इस आताताई चरित्र का डट कर मुकाबला करेंगे। नरेंद्र मोदी जब जब डरते हैं तब तब ईडी सीबीआई को आगे करते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के भाई व उत्तराधिकारी मौला अली मुश्किल कुसा जन्मदिन के शुभ अवसर पर रविवार दोपहर जुलूस ए हैदरी निकाला गया। हजरत अबू तालिब फाउंडेशन द्वारा आयोजित जुलूस ए हैदरी में हर वर्ग के लोग शामिल होकर हजरत अली की शान में मनकबत व कसीदे पढ़ते हुए मोमिन पारा से तात्या पारा चौक आजाद चौक HMT चौक होता हुआ हुसैनी चौक में समाप्त हुआ। जुलूस में शामिल सभी लोग इस शुभ अवसर पर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, खुशी में झूमते हुए या अली अली मौला का नारा भी लगा रहे थे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। नमस्कार। अशोक गहलोत के एक साल प्रदेश का हाल।